आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेड लाइन बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जैसे हम सभी को पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई सिंगल लाइन नहीं होता ये एक जोन होता है वैसे ही हमें ट्रेन लाइन को जोन की तरह ट्रेड करना चाहिए ना कि सिंगल लाइन की तरह दूसरा जैसे हम सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर कैंडलस्टिक एंड अदर फैक्टर का यूज़ करते हैं उसी प्रकार हमें टेडलाइन ब्रेकआउट के साथ भी कॉन्फर्मेशन फैक्टर पर ट्रेड लेना चाहिए आप ट्रेंट के दौरान हम मिनिमम दो या तीन हायर लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रो करते हैं और डाउन ट्रेंट के दौरान हम मिनिमम दो या तीन लोअर हाई को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रो करते हैं आप देखिए ट्रेंड लाइन को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बाउंस पर और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन बाउंस बैक पर ट्रेड कैसे लेते हैं इसके बारे में अगर आपको बारीकी से समझना है तो कमेंट करके बताइए आपके कमेंट पर वीडियो तैयार कर आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रेंड ब्रेकआउट विद इस मेथड में हम दो पैटर्न का यूज करेंगे पहला डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न जो आप लोगों को पता ही होगा और दूसरा ट्रेंड चेंज पैटर्न ट्रेंड चेंज पैटर्न मतलब सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट हाई के फॉर्मेशन में होता है बट मार्केट न्यू हायर हाई बनाने में फेल हो जाता है और उसके जरिए एक लोअर हाई बनाता है तो हर हम इसे ट्रेंड चेंज पैटर्न बोलते हैं आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं देखिए मार्केट डाउन ट्रेन में है नेक्स्ट हमने लोअर हाई को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है नेक्स्ट लेटेस्ट प्राइस मोमेंटम को देखिए यहाँ प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करने में फेल होता है और प्रीवियस लो के पास सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है नेक्स्ट ये ट्रेंड को ब्रेक करता है अब कॉन्फर्मेशन कैसे ले ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जेन है या फिर फेक तो इसके लिए हम प्रीवियस हाई को मार्क करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस हाई है और हमने इसे मार्क कर लिया है आप देखिए यहां हम दो तरह से एंट्री ले सकते हैं अगर प्राइस की लेवल को ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट कैंडल के हाई ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं और दूसरा तरीका है ब्रेक एंड रिटेस्ट मतलब जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके वापस इस लेवल पर आएगा तब हम रिजेक्शन कैंडल के बेस पर एंट्री ले सकते हैं आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ मार्केट अब ट्रेंड में है तो हमने हायर लो को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया नेक्स्ट अब लेटेस्ट प्रोजेक्शन को देखते हैं हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है और हम सभी को पता है डबल एक रिवर्सल पैटर्न है नेक्स्ट अब

सो so, हमने हायर लो को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया नेक्स्ट अब लेटेस्ट प्रोजेक्शन को देखिए मार्केट यहाँ लोअर लो की जगह एक का हायर लो बनाता है जो हमें इंडिकेट करता है 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 से एक एक की शुरुआत हो सकती बट ये सिर्फ इंडिकेशन नेक्स्ट प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कॉन्फॉर्मेशन के लिए हम प्रीवियस हाई ब्रेक का वेट कर सकते हैं क्योंकि जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ हमारे पास हायर हाई high और हायर लो का फॉर्मेशन होता है जो आप के दौरान बनता है तो आप इस प्रीवियस हाई ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ मार्केट अपटेन में है और हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार नेक्स्ट मार्केट लेटेस्ट प्रोजेक्शन के दौरान हायर हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है जो वीकनेस का साइन है नेक्स्ट मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और साथ ही साथ में अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करता है नेक्स्ट अब हमें कॉन्फर्मेशन का वेट करना है जब फर्दर कैंडल जब इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो हम इस कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमे में हम मल्टीपल टाइम का यूज करेंगे यहाँ देखिए ये यह हमारा वीकली चार्ट है और यहाँ मार्केट डाउन में है नेक्स्ट अब हम इन दो पॉइंट को लेते हुए एक ट्रेनलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ हमें लेटेस्ट प्रोजेक्शन के दौरान हमें एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलता है सो so नाव अब हमें क्या करना है और हम बेटर प्रोजेक्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे जिससे हमें मार्केट का एक क्लियर चार्ट मिलेगा सो so, ये हमारा डेली चार्ट है और ये वो सेम ट्रेंड लाइन है जो वीकली टाइम का था और ये सेम सपोर्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का और इस एरिया में वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम देखने को मिलता है और डेली टाइम फ्रेम में हमें ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है यहाँ देखिए यहाँ हमें डब माउंटेन के बाद डबल बोटम देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ हमें ट्रेंड चेंज पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ प्राइस हायर हाई और हायर लोस का फॉर्मेशन करता है देन हमें यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक मिलता है और जिसके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं सो so, हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रेडिफाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस रजिस्टेंस लाइन ब्रेक आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं सो so, यहाँ हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है थ्रो डीज की पॉइंट्स राइज वापस इस लेवल को अप्रोच करता है अब ध्यान से देखिए क्या हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रो कर सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ देखिए प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है बट यहाँ कॉन्फर्मेशन कैसे लें कॉन्फर्मेशन के लिए आप सपोर्ट लेवल के पास कैंडलस्टिक को स्टडी करिएगा यहाँ देखिए हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडलस्टिक देखने को मिलता है उसके बाद हमें एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल देखने को मिलता है सो तो हम सभी को पता है सपोर्ट से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और ये कैंडलस्टिक हमें इंडिकेट भी करता है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है और साथ ही साथ हमारे पास एक ट्रेड लाइन ब्रेक है जो ये कंफर्म करता है अब ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो इसमें आपको ट्रेड लेने के लिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाने पर एंट्री और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के लो के पॉइंट पर रख सकते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं सो यहाँ हम एक रजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है नाव क्या हम यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार नेक्स्ट यहाँ हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलता है थ्रू कर्नलिस्टिक और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये कॉन्फर्म करता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए आप ब्रेकआउट कैंडल के लो ब्रेक का वेट कर सकते हैं अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को समझिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के समय आपको देखना है प्राइस ट्रेंड लाइन को अप्रोच कैसे करता है मतलब आपको करेक्शन मूव के मोमेंटम को देखना है मतलब प्राइस कहाँ से और कैसे टर्न हुआ क्या कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न था और वॉल्यूम को देखना है आइए पुराने एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं पॉइंट प्राइस कैसे अप्रोच करता है ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्गली अप्रोच करता है या वीकली अप्रोच करता है यह प्राइस स्ट्रॉन्गली ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है सेकंड जहाँ प्राइस टर्न किया वहाँ किसी प्रकार का रिजेक्शन पैटर्न था यहाँ प्राइस स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट होकर ऊपर जाता है और थर्ड रिवर्सल प्वाइंट से लास्ट स्विंग का डिस्टेंस कम होना चाहिए सो यस यहाँ डिस्टेंस कम है सो यस यहाँ डिस्टेंस कम है और स्ट्रॉन्गली अप्रोच भी किया है तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ट्रेंड ट्रेंड ब्रेकआउट के समय याद रखने हैं स्ट्रोंग मोमेंटम स्ट्रोंग रिवर्सल और शॉर्ट डिस्टेंस तो इसी प्रकार हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं अगर आपने हमारी कैंडल पैटर्न की इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमे सभी इंपोर्टेंट कैंडल पैटर्न को बताया है जो पार्ट वन वाली वीडियो है और आपने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो पर हम आपके द्वारा सजेस्ट किए गए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप नेक्स्ट वीडियो को देख पाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन के साथ अब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ट्रेडिंग सीक्रेट टू